हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, दैट इज पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने ओरिएंटेशन लेक्चर ऑन इंडियन ज्योग्राफी रिकॉर्ड किया है, जो कि हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? अगर हम देखें फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, वी डिवाइड अ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ताकि उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो। क्योंकि ये डिफिकल्ट हो जाता है लार्ज यूनियन या स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटर करना। अगर हम देखें इंडिया जो है, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। करंटली इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, मगर ये पहले से नहीं था। अगर हम देखेंगे इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की ऑन 15 अगस्त 1947, तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बनी। रिपब्लिक से मतलब सुप्रीम पावर रिजाइड्स इन द हैंड्स ऑफ कंट्रीमैन। अगर हम देखेंगे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हुआ 26 नवंबर 1949 पे, लेकिन इन फोर्स वो आया 26 जनवरी 1950 को। दैट इज वाई 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम करंटली देखें इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन ये पहले से नहीं थी। इनका जन्म कैसे हुआ, जो हम आज देख रहे हैं, अभी इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, इसकी कुछ हिस्ट्री है, तो चलिए जानते हैं। अगर हम देखें 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उससे क्या हुआ, हमने रिऑर्गेनाइज की बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स अलोंग विद लिंग्विस्टिक लाइंस। 3 नए स्टेट बनाए गए नवंबर 2000 में। कौन कौन सा? पहला था छत्तीसगढ़ को हमने निकाला मध्य प्रदेश से, उत्तरांचल को जिसको हम आज उत्तराखंड बोलते हैं उसको हमने उत्तर प्रदेश से निकाला। इसी तरीके से हमने झारखंड को बिहार से निकाला और लास्ट में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश निकाला गया 2014 में, और उसके बाद तेलंगाना को लीगल स्टेट स्टेटस मिला। अगर हम देखें इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, उससे क्या हुआ, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बाइफर्केशन हुई, बाइफर्केशन इनटू जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड द सेकेंड यूटी दैट इज लद्दाख यूटी। ये इन फोर्स आया 31 अक्टूबर 2019। तो इन्हीं चीजों की वजह से करंटली हम देखते हैं इंडिया में अभी जो आज हम रिकॉर्ड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं 4th अप्रैल 2019,
2023 अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिया की लोकेशन, इंडिया ग्लोब पे कहां एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा इक्वेटर जो होता है वो ग्लोब को दो हिस्सों में बांटता है, वन इज नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड अनदर इज साउदर्न हेमिसफेयर। इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन जो सेंटर ऑफ अर्थ से पास करता था वो ग्लोब को दो स्फीयर्स में बांटता था, वन इज ईस्टर्न हेम वन इज वेस्टर्न हेमिसफेयर एंड सेकंड इज ईस्टर्न हेमिसफेयर। अगर हम देखेंगे इंडिया इक्वेटर से ऊपर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंडिया मोर स्पेसिफिकली नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिसफेयर में एग्जिस्ट करता है, वो ये वाला आता है। इस वाली स्फीयर को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, इस वाले को हम बोलते हैं साउथ ईस्टर्न, इस वाले को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, इस वाले को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, इंडिया एग्जिस्ट करता है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिसफेयर। अगर हम इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स की बात करें, ये अगर लैटिट्यूड इंडिया से पास करता है और ये अगर लॉन्गिट्यूड इंडिया से पास करता है, हम इसकी एक्सट्रीमिटीज देखेंगे। ये हो गई वेस्ट टू ईस्ट एक्सट्रीमिटी, ये वाली हो गई वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी, ये वाली हो गई ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी। इसी तरीके से ये नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी हुई और ये हो गई साउदर्न एक्सट्रीमिटी। अगर हम उसके बारे में बात करें तो इंडिया लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ 8 degree 4 minutes नॉर्थ एंड 37 degree 6 minutes नॉर्थ। ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूडनली इंडिया एग्जिस्ट्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस निकालेंगे तो ईस्ट से वेस्ट भी इंडिया कुछ अप्रोक्सीमेटली 29 डिग्रीज में एग्जिस्ट करता है और नॉर्थ से साउथ भी इंडिया 29 डिग्री अप्रोक्सीमेटली एग्जिस्ट करता है। ये हम कैसे 29 डिग्री अचीव करेंगे, अगर हम 37 डिग्री 6 नॉर्थ में से माइनस करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट्स 29 आता है। इसी तरीके से अगर हम 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट को माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 68 डिग्री 7, तो उससे भी 29 डिग्री आएगा। दैट मीन्स कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इंडिया का ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम बात करें टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया की, इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसी को हम 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स बोलते हैं। अगर हम देखेंगे इंडिया की जो लैंड बाउंड्री क्या है, लैंड बाउंड्री से मतलब है कि इंडिया की लैंड पे कितने एरिया में बॉर्डर करता है, मतलब कोस्ट लाइन को एक्सक्लूड करके। अगर हम देखेंगे ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया यहां से, ये इंडिया की लैंड बाउंड्री है और इसकी लेंथ कितनी है, 15,200 किलोमीटर। लेकिन ये इंक्लूडिंग है अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इंडिया में ईस्ट टू वेस्ट लेंथ देखें, यहां से ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की लेंथ वो है 2933 किलोमीटर। इन द सेम वे नॉर्थ साउथ जो इंडिया की लेंथ है वो 3214 किलोमीटर है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है। ये भी 3000 के आसपास है, ये भी 3000 के आसपास है। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि इंडिया का बोथ ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वो सेम है 29 डिग्रीज का।
तो वही अप्रोक्सीमेटली सेम 3000 किलोमीटर आता है। स्पेसिफिकली वही आता है ईस्ट वेस्ट लेंथ 2933 किलोमीटर और नॉर्थ साउथ लेंथ 3214 किलोमीटर। ये आप याद रखोगे, ये कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये वाले। अगर हम देखें इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो ये जो इंडिया से पहली 6 कंट्रीज आती है इनको याद रखने के लिए एक निमोनिक है आरसी क्यूबा। आर का मतलब होता है रशिया, सी का मतलब होता है कनाडा, और जो दूसरा सी है इसका मतलब है चाइना, यू का मतलब है यूएसए, बी का मतलब है ब्राजील और ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम रशिया की बात करें, रशिया में 1,70,98,242 स्क्वायर किलोमीटर्स आते हैं। इसी तरीके से अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा में 90,98,4670 किलोमीटर्स आते हैं, सेकंड हाईएस्ट लैंड एरिया आता है। अगर हम इसी तरीके से लास्ट में ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में 76,92,020 किलोमीटर्स आते हैं। तो उसी के बाद 7th रैंक इंडिया की आती है, वही मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया। इंडिया में आते हैं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये हम याद रख सकते हैं इस वाली ट्रिक से आरसी क्यूबा। तो अगर मैं इसी तरीके से आपको बीच में किसी की लेंथ बतानी होगी, रशिया के बाद सबसे बड़ा है, तो आप ये उसी तरीके से याद रख सकते। नाउ अगर हम देखेंगे लाइनस दैट सेपरेट इंडिया विद इट्स नेबर्स, अगर हम देखेंगे यहां से पाकिस्तान आता है इंडिया का नेबर, ये अफगानिस्तान है, ये चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है। अगर हम देखेंगे कौन सी लाइन सेपरेट करती है इंडिया को विद इट्स नेबर से फ्रॉम पाकिस्तान, अगर देखेंगे जो ये लाइन आती है गुजरात से ही स्टार्ट करते हैं, यहां तक जम्मू एंड कश्मीर तक आती है, तो इस वाली लाइन को हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इन द सेम वे हमको पता है पाकिस्तान बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, ये भी पाकिस्तान का ही पहले अप टू 1971 तक था, तो इस वाली लाइन को भी हम रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। अब अगर हम देखेंगे चाइना के साथ जो लाइन सेपरेट करती है, चाइना ये वाला एरिया है, ये जो अक्साई चीन से शुरू होता है तो यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से और एक सिक्किम का थोड़ा सा पार्ट आता है इसमें, हाँ लास्ट में ये अरुणाचल प्रदेश पे यहाँ पे खत्म होती है। तो चाइना के साथ जो लाइन हमको सेपरेट करती है वो मैकमोहन लाइन है। इसी तरीके से अफगानिस्तान जो जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे, उसको हम धुरंध लैंड बोलते हैं, और बांग्लादेश का जो हमने पहले ही पढ़ा वो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। अगर हम बात करें इंडिया 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, 7 कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है, वो कितना है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना के साथ जितना एरिया शेयर कर बॉर्डर एरिया शेयर करता है वो है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ का है 3310 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर। उसके बाद भूटान के साथ उसका है 578 किलोमीटर, और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अगर हम इसी लैंड एरिया को ऐड करें, यही आता है 15,200 किलोमीटर ऐड करके,
ये इंडिया का लैंड बॉर्डर बॉर्डर है विद इट्स नेबरिंग कंट्री। तो अगर हम इंडिया में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, ये भी डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आपको पूछा जाए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, तो वो इंदिरा कोल है। जरा बताओ इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहां पे होगा, ये है इंदिरा कोल। इसी तरीके से अगर आप पूछा जाए इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का है, जो अरुणाचल प्रदेश यहां पे है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आएगा इंडिया का यहां पे, तो उसको क्या नाम है, किटबू, किटबू उसका नाम है, यह एज सच याद रखोगे। इसी तरीके से वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, क्योंकि इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट स्टेट गुजरात है, इसमें यहां पे ये आता है, क्या बोलते हैं इसको, गहर मोती बोलते हैं उसको, GHAIR MOTI, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अगर हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, वो इंदिरा पॉइंट है। इफ आइलैंड इंक्लूडेड, अगर हम आइलैंड को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इंक्लूड करें, तो यहां पे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट उसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, आप सबने सुना भी होगा। लेकिन अगर आइलैंड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट आता है कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये हुआ। अगर हम अब बात करें इंडिया के फोर लार्जेस्ट स्टेट्स कौन है, तो इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया है वो राजस्थान है, सेकंड मोस्ट है मध्य प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र, फोर्थ है आंध्र प्रदेश, गोवा सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अगर हम राजस्थान के एरिया की बात करें, कितना एरिया है राजस्थान में, वो है 342239 स्क्वायर किलोमीटर, 42239 स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरीके से अगर हम गोवा की बात करें, गोवा का कितना एरिया है, वो है 3702 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतनी डिफरेंस है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया में। इसी तरीके से अगर हमको इंडिया में सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जानना होगा, वो कच्छ है, गुजरात का कच्छ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वो महे, पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको महे, जिसका नाम महे है, वो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम इसी तरीके से बात करें, इंडिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, इट्स द इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, जो कि सिचुएटेड है अंडमान सी में, अबाउट 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, बैरन आइलैंड इसका नाम है। इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें नॉर्कोडोमन आइलैंड, ये वोल्केनिक आइलैंड है जो सिचुएटेड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान, ये वाला, अगर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसका ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहां पे लोकेटेड है नॉर्कोडोमन आइलैंड, ये भी एक वोल्केनिक आइलैंड है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है अभी। इसी तरीके से कुछ चैनल्स की बात की जाती है, अगर हम देखें जो 10 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करती है अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स को बे ऑफ बंगाल में, ये जो बे ऑफ बंगाल है, ये जो अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करती है 10 डिग्री चैनल, उन्होंने नाम दिया है 10 डिग्री चैनल। इसी तरीके से अगर हम डंकन पास की बात करें, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, ये रहा आपका डंकन पैसेज, इस साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। इसी तरीके से अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें, हाँ याद रखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को एमेरल्ड आइलैंड्स भी कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे 8 डिग्री चैनल की, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करती है मिनकॉय एंड मालदीव्स को, देखिए ये मालदीव्स है, ये मिनकॉय है, सेपरेट करती है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। इन द सेम वे
9 डिग्री चैनल सेपरेट करती है मिनकॉय एंड मेन लैंड ऑफ लक्षद्वीप आर्चिप्लेगो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 डिग्री चैनल अक्सर पूछा जाता है, तो किसको सेपरेट करती है ये? आइलैंड ऑफ मिनकॉय एंड लक्षद्वीप आर्चिप्लेगो। तो अगर हम बात करें, हमने पिछले वाले लेक्चर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में से ऑब्वियसली पास करता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली इंडिया के कुछ स्टेट्स में से पास करता है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, अब ये कैसे याद रखें हम? इसके लिए एक निमोनिक ट्रिक है, मीराज जेसीबी एट जीएमटी। यहां से हम एमआई उठाते हैं, आरए उठाते हैं। अगर हम एमआई की बात करें, एमआई होता है मिजोरम, आर होता है राजस्थान, जे होता है झारखंड, टी होता है छत्तीसगढ़, बी होता है बंगाल, इसी तरीके से जी होता है गुजरात, एम होता है मध्य प्रदेश और त्री होता है त्रिपुरा। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब मीराज जेसीबी एट जीएमटी आप याद रखोगे तो सारे स्टेट्स आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे। तो ये अक्सर आ जाता है, टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस स्टेट, ये चार ऑप्शंस उसमें आते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक याद होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सेवन सिस्टर्स बोला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। उसमें स्टेट्स आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। पहले मैं ये मैप में दिखाऊंगा आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन से हैं। मैप कहां पर है इंडिया का? ये वाला जो एरिया है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो आपको मैं ये मार्क कराऊंगा, आपको मैं एक निमोनिक भी बोलूंगा कि जिससे आपको ये डायरेक्टली याद रहेगा। तो हम बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। इसके लिए आपको निमोनिक जो याद रखना है वो है एटीएम आना मामी, एटीएम आना मामी, ये निमोनिक है इसके लिए। अब देखेंगे ए क्या होता है। ए होता है असम, टी होता है त्रिपुरा, एम होता है मेघालय, ए होता है अरुणाचल प्रदेश, एन होता है नागालैंड, उसी तरह मामी में आता है मणिपुर और मिजोरम। रहा ना आसानी से याद, इसलिए जियोग्राफी में निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये स्टेट्स याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमने देखा कि इंडिया के कुछ एरियाज का की कोस्टल बाउंड्री थी और कुछ एरियाज की लैंड बाउंड्री थी। अब कुछ स्टेट हैं जिनकी दोनों कोस्टल बाउंड्री भी है और लैंड बाउंड्री भी है। उसमें जो स्टेट्स आते हैं वो तो गुजरात आते हैं और वेस्ट बंगाल आता है। इसी तरीके से अब इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जिनकी ना तो कोस्टल बाउंड्री है ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो भी इंडिया के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें स्टेट्स आते हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। अब ये मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि कई बार जेके एसएसबी के एग्जाम्स में या एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर द बाउंड्री विद विच, मतलब एबीसी स्टेट।
फॉर एग्जाम्पल आएगा एबीसी स्टेट, नहीं आपको आएगा एबीसी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल आएगा बांग्लादेश। तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा स्टेट, वेस्ट बंगाल आपको पता है कि ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अगर इनमें से कोई ऑप्शन होगा हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, तो ये भी डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर पाओगे। तो कोस्टल बाउंड्री के बारे में मैंने शायद आपको नहीं बोला, वो शायद हमने मिस किया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कोस्टल लाइन की। कोस्टल लाइन मैं शायद भूल गया था, कोस्टल लाइन होता है इंडिया का वो मेन लैंड जो कि शेयर करता है बाउंड्री विद सी। अगर हम देखेंगे यहां तक तो हमने डिस्कस किया था कि मेन लैंड कितना है इंडिया का, वो इंक्लूडिंग हमने अंडमान निकाला था, वो हमने मैंने आपको बोला था वो 15,200 किलोमीटर है। इसी तरीके से इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से तो उसकी अगर लेंथ की हम बात करें वो है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन ये इंक्लूडिंग है अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। अगर हम इसके बगैर बात करें तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 6100 किलोमीटर आती है, एक्सक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें तमिलनाडु, जो इंडिया का स्टेट है, ये वाला साउदर्न स्टेट, और श्रीलंका जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, उसके बीच में एक ब्रिज आता है जिसका नाम है एडम्स ब्रिज। ये आपको याद रखना है। और याद रखना है इंडिया का जो, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, हम श्रीलंका के साथ कोई लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक नैरो चैनल है जिसका नाम है पालक स्ट्रेट, PALKSTRAIT, ये आपको याद रखना। अगर आप इंटरनली इंडिया की बात करें, गुजरात है वो इंडिया का वो स्टेट जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट सॉरी 18 डिविजन्स हैं इसमें, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 डिविजन्स है, तो गुजरात में 18 डिविजन्स है और 75 डिस्ट्रिक्ट्स है। दैट इज वाई गुजरात इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। अगर हम देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन आर्मी ने गोवा को भी अटैक किया और पुर्तगीज कंट्रोल को खारिज किया 1961 में। उसके बाद गोवा को इंडिया के साथ मर्ज किया गया सबसे पहले एज ए यूनियन टेरिटरी, लेकिन गोवा को 1987 में डिक्लेयर किया गया स्टेट ऑफ इंडिया और उसकी कैपिटल रखी गई पनाजी। कैपिटल्स भी आपको याद रखने हैं, कई कुछ एग्जाम्स में डायरेक्टली सीधा ही कैपिटल पूछी जाती है किसी भी स्टेट की, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट द ओनली स्टेट विद टू कैपिटल्स, आपको याद रखना है, क्योंकि 2017 में धर्मशाला वाज डिक्लेयर्ड एज हिमाचल प्रदेश इज विंटर कैपिटल एंड शिमला एज समर कैपिटल। दैट मीन्स का दूसरा स्टेट है जिसकी दो कैपिटल्स है वो है हिमाचल प्रदेश, इसकी एक समर कैपिटल धर्मशाला है और विंटर कैपिटल शिमला है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के जो स्टेट्स है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी शेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। अगर हम देखेंगे जो हमारा स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है जिसकी लेंथ है 106 किलोमीटर। सर मैंने आपको पहले बोला वो कौन सी लाइन है जो अफगानिस्तान और इंडिया को डिवाइड करती है, वो मैंने आपको पहले ही बोला, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, फिर भी आपको बता देता हूं, वो थी दुरंद लैंड।
ये आप याद रखें। इसी तरीके से बांग्लादेश फॉलोइंग स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड आसाम। इसी तरीके से भूटान ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। कैना शेयर करता है जम्मू कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। तेवे म्यांमार शेयर करता है बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ और नागालैंड के साथ। इसी तरीके से नेपाल सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ शेयर करता है। एंड लास्टली पाकिस्तान शेयर करता है जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ। अब आपको मैंने बोला कि आपको कुछ एग्जाम्स है जो डायरेक्टली स्टेट्स की कैपिटल पूछते हैं। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो हमारा एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश के सीएम थे, सीएम का नाम मैं बोल रहा हूं, सीएम का नाम था जगमोहन रेड्डी। उसने क्या किया, उसने कहा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम अरुणाचल प्रदेश की तीन कैपिटल्स डिवाइस करेंगे। वन इज लेजिस्लेटिव कैपिटल, वो रखी गई अमरावती। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव कैपिटल, वो रखी गई विशाखापट्टनम, जिसको हम वाइजैग भी बोलते हैं। और थर्ड जुडिशियल कैपिटल, जो कि है कुरनूल। तो ये आप याद रखोगे कि अरुणाचल प्रदेश इज द स्टेट विच हैव थ्री कैपिटल्स। वन इज जुडिशियल कैपिटल कुरनूल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है और लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको इंडिया के 28 स्टेट्स की कैपिटल याद होनी चाहिए। इन द सेम ये आपको इस प्रेजेंटेशन में आप ये स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो या आप ये पास भी कर सकते हो और ये अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको याद रखना है यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल्स को भी। मैं आपको बता दूं कि दमन एट दीव और दादर और नागर हवेली को जोड़ा गया, उसकी एक ज्वाइंट कैपिटल डिसाइड की गई, वो दमन है। इसी तरीके से आप 8 की 8 कैपिटल्स को भी याद रखेंगे जो कि आपको एग्जाम में काम आएंगे। So this is it for today's lecture. We will be meeting in the another lecture in which we will be discussing about the physiography of India, that is the physiographic divisions of India. उसमें हम देखेंगे कि इंडिया को हमने physically कैसे divide किया है। So we will meet in the next lecture. Till then, have a nice day.